अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन पोटा कलेजी की रेसिपी। तो आपका जो भी तरीका है ना चिकन पोटा कलेजी बनाने का, तो मेरे तरीके से एक बार जब आप बनाएंगे तो इसी तरीके से हमेशा बनाकर खाने को आपको मन चाहेगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी बनने वाली है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप करें, और पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए चिकन पोटा कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 300 से 400 ग्राम चिकन पोटा कलेजी ले ली हूँ। तो देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको धो लिया है। इस तरीके से दिल वगैरह जो होता है ना बीच से कट करके इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर बारीक काट लिया है। तो लेकिन मैं इसमें अभी आधा डाल रही हूँ, और आधा जो प्याज है मैं इसको रख देती हूँ, इसको मुझे बाद में डालना है। तो अभी ये प्याज को गोल्डन कलर आने तक के फ्राई कर लेते हैं। अभी प्याज देखिए हमारा गोल्डन कलर हो गया है। तो जो पोटा कलेजी हमने धोकर रखा था उसको डाल देंगे इसके अंदर। तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी को अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो पोटा है ना उसका बहुत छोटे छोटे साइज़ की हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता गलने के लिए, और इसके लिए मैं कुकर में बना रही हूँ। तब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसको अच्छी तरीके से भूनना है। तो इसका स्मेल जो है ना काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए मैं अभी हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट भून जाने के बाद में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने पानी डालकर पीसा था अदरक लहसुन को, तो ये थोड़ा सा पतला है, इसके लिए मैं 2 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। आपके पास अगर सूखा अदरक लहसुन पीसा हुआ है तो आप 1 टेबल स्पून का यूज़ करें इसमें। अब अदरक लहसुन को डालने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे फिर से। तो मैं देखिए बहुत अच्छे से भून रही हूँ यहाँ पर, आपको भी ऐसे ही भूनना है। तो जैसे अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा हम इसमें और भी मसाले डाल देंगे। तो मैंने डाल दी 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 2 टीस्पून इसमें धनिया के पाउडर डाल देंगे। तो फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो नमक भी डाल देंगे साथ में ही, और ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून डाल देंगे। तो होममेड गरम मसाला पाउडर है ये, आप चाहे तो कोई भी चिकन मसाला पाउडर भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। तभी मसाला सूखा था, जले नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ उसमें, और थोड़ा सा ही पानी डालना है 1 चम्मच जितना। और पानी डालकर फिर से अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं आँच को मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छी तरीके से भून रही हूँ। तब यहाँ पर देखिए बारीक कटा हुआ टमाटर है, और जो मैंने प्याज को साइड करके रखा तो प्याज भी है यहाँ पर। हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च तीखा नहीं होता ज़्यादा, इसके लिए मैंने ये वाला लिया, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। हरा धनिया है, इन सभी को बारीक काट कर डाल देंगे इसमें। तो इस तरीके से जब ऊपर से कच्चा टमाटर और प्याज डालते हैं ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे पोटा कलेजी की रेसिपी में। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया इसको गलने के लिए। अब मैं ढक्कन लगा रही हूँ इसमें कुकर में, ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने तक के इसको लगभग पका लेंगे। तो मुझे थोड़ा जल्दी पकाना था इसके लिए मैंने कुकर में पका रही हूँ, आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए लगभग हमारा 3 सीटी आ चुका था, मैंने अभी कुकर के ढक्कन को हटा ली हूँ, और फिर से मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पानी है अभी। तो हमारा पोटा और कलेजी जो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से गल गया है। तो अब इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा उसको सुखा लेना है। तो इसी को मैं आँच मीडियम रखकर पानी को उसका सारा सुखा लूँगी। तो जब कभी भी आप पोटा कलेजी बना रहे हो ना तो इस तरीके से जैसा मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको भूनना है, तो इसका स्मेल जो है ना पोटा कलेजी का ख़त्म हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तब इसको देखिए मैं हिलाते हुए इसको पका रही हूँ, और आँच को मैंने मीडियम रखा है। इसका जो भी पानी है हमें अच्छी तरीके से सुखा लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए अभी तेल सेपरेट हो गया है इसमें, और ये अच्छी तरीके से भुन गया है। तो आपको अगर ग्रेवी थोड़ा रखना है तो आप थोड़ा जब पानी रहेगा तभी गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं। तो मैंने इसको एकदम ड्राई और भुना सा बना लिया है। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी हूँ और इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा एकदम टेस्टी टेस्टी पोटा कलेजी बनकर तैयार हो गया है,
उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मेरी इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।